और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज है उत्तर प्रदेश के मथुरा से। वहां दिन दहाड़े मोटरसाइकिल से आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने कैबिनेट मंत्री और छाता विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक रामवीर की गोली मारकर हत्या कर दी। रामवीर अपने गांव के प्रधान होने के साथ ही वो बीजेपी उम्मीदवार चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक भी थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन हंगामा तब बढ़ गया जब इस हत्या से नाराज लोगों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। इस दौरान लोगों की पुलिस के साथ भी कहासुनी हुई। हालांकि बाद में वहां मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी पहुंच गए, जिन्होंने हमलावरों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इस घटना को चुनावी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि रामवीर ने कुछ रोज पहले ही लक्ष्मी नारायण के लिए अपने गांव में एक सभा करवाई थी। और अमित पांडे मेरे सहयोगी मौजूद है। अमित, क्या कुछ अपडेट आरोपियों को लेकर? जी रितिका, देखिए चूंकि मामला कैबिनेट मंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस भी कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहती जिससे उसके ऊपर लापरवाही का आरोप लगे। इसीलिए एक दर्जन से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस की एक खास टीम, स्पेशल टीम बनाई गई है जो कि इस पूरे के पूरे मामले की जांच कर रही है। और पुलिस ये भी दावा कर रही है कि जल्द ही वह आरोपियों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि एक एक साक्ष्य वह बहुत ही सावधानी से, तत्परता से जुटाने का दावा कर रही है। तो यूपी के मथुरा में दिन दहाड़े कैबिनेट मंत्री और छाता सीट से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक रामवीर नाम के एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब रामवीर शनिदेव मंदिर के दर्शन करने के लिए परिक्रमा कर रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने उन्हें पीछे से गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद वहां हाहाकार मच गया, घर वालों पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। फौरन पुलिस और प्रशासन के लोग वहां पहुंच गए, लेकिन बवाल तब शुरू हुआ जब लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। भीड़ इतनी कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं बची। हालात ना बिगड़े इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की। बदमाशों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी और उनके परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग सड़क से उठने के लिए तैयार नहीं हुए। इस बीच मंत्री लक्ष्मी नारायण भी वहां पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने भी प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की और इस दौरान उनकी आंखें नम हो गई। जल्दी खुलेगा, खुलवाएंगे इसे जल्दी, हर हालत में निश्चित रूप से बचेगा तो कोई नहीं। लक्ष्मी नारायण ने भी बताया कि इससे पहले भी रामवीर पर कई बार हमले हो चुके थे। जीवन में कभी उसने किसी को गाली भी नहीं दी, लेकिन जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे पता चला कि उसे कई बार मारने के प्रयास भी हुए थे। हत्या के बाद सड़क पर हुए प्रदर्शन की वजह से वहाँ लंबा जाम लग गया, हालांकि बाद में पुलिस के जवानों ने जाम को खुलवा दिया और लोगों को भरोसा दिया गया कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा। मगर इस हत्या की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण चौधरी लोगों से बात करते हुए भावुक हो गए। इस दौरान उनके साथ खड़े समर्थक भी रोते हुए नजर आए। बीजेपी उम्मीदवार ने मारे गए प्रस्तावक के परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिया। कोशिश करूंगा मैं उसके एहसान को उतारने की, यदि ये घटना में देर होगी तो चुनाव छोड़ के हमें भी सड़कों पर बैठना पड़ेगा। सौ बात की एक बात यह कि कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण छाता विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और प्रधान रामवीर उस चुनाव में उनके प्रस्तावक थे। बताया ये जा रहा है कि रामवीर ने 2 दिन पहले ही गांव में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की एक सभा कराई थी और शक ये जताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में ही रामवीर की हत्या की गई है। तो वहीं पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।